जैसे सूर्य के ताप से संबंध करने पर जल में स्वाभाविक ठंडा रहने वाला जल में ताप उत्पन्न होता है। आप पता लगा करके देखेंगे, आप कोई अंदर से देखेंगे तो जल में ताप दिखाई पड़ेगा, वो नाप लेगा जल में ताप है इतने डिग्री गर्म है ऐसा दिखा देगा, किंतु वो वास्तव में जल का है क्या? आप कितना भी कोशिश करो जल का ताप जल का सिद्ध करना असंभव है, क्योंकि जल का ताप बाहर से आया हुआ है। तो ये चीज आप नहीं जान रहे हैं, इसीलिए वैज्ञानिक लोग इसको पता नहीं लगा पा रहे चेतन को, क्योंकि वो चेतन के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, वो उनके पास कोई यंत्र नहीं उसको पता लगाने के लिए। तो जो अचेतन में चेतन का भान हो रहा है उसको चेतन के परिणाम के रूप में सिद्ध करना चाहता है, ये परिणाम के साथ उसका संबंध नहीं करेगा। तो जल में जो ताप नहीं है वो सूर्य संबंध से हुआ ताप है, ऐसा जो जानता है वो ये जान लेगा कि यथाकाल आने पर वो ताप चला जाएगा और जल जल रह जाए। इसी प्रकार यहां भी हुआ कि यहां बुद्धि तत्व व्यापक है, ये दोनों तत्व व्यापक है ना, इसका सान्निध्य कैसा हो गया? अब दिखाने के लिए तो आपको कुछ गोलाकार कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ ले ये चैतन्य है ना, उतने ही व्यापक है ये है क्या? हाँ ऐसा वो ये है, प्रकृति भी है, इन दोनों की व्यापकता में कोई कमी नहीं है, और व्यापक दोनों रहने से दोनों अत्यंत सान्निध्य में रह रहा है। तो दोनों को दो कहने का कारण कलम ने बताया, ये वस्तु के आकार क्या क्या कारण बताया दो अलग अलग करने के लिए? हाँ, देश काल वस्तु और क्रिया, इन चार को लेकर के आप वस्तु के परिच्छेद को बता सकते हैं। यहां ये चार उत्पन्न हुआ नहीं स्थिति में क्या है, ये दोनों व्यापक ही है। जहां चित्त का अस्तित्व है, चित्त भी सत है और प्रकृति भी सत है, अपने रूप में अस्तित्व रखता है। चित्त में चेतनता की विशेषता है, प्रकृति में अचेतनता की विशेषता है, मतलब वो मेटीरियल कॉज के रूप में अचेतनता की विशेषता है प्रकृति का, जो त्रिगुण में, और वो भी भावात्मक के चेतन से कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो मूल तत्व तो बना हुआ है वो चेतन के सानिध्य के बिना नहीं बना, जो परिणाम हुआ है चेतन के सानिध्य के साथ हुआ है। तो चेतन का सान्निध्य अत्यंत सान्निध्य मात्र को ही हम संयोग कह रहे हैं। इधर जो है सूर्य और स्फटिक का दृष्टांत देते हैं, ये भी दिया जाता है समझाने के लिए कि ये स्फटिक है महातत्व है ना, स्फटिक महातत्व है और जो सूर्य प्रकाश है वो व्यापक चित्त है, ठीक है? तो ये दोनों का संयोग हो गया ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में संयोग होने का मतलब स्फटिक के तल पर सूर्य प्रकाश पड़ गया, इतने को हम संयोग कहते हैं। कभी स्फटिक सूर्य प्रकाश नहीं बन जाते और स्फटिक उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करता, उसका अपना जड़त्व तो वैसे ही बना रहता है, केवल उसमें जो विशेष गुण है स्पष्टता स्वच्छता उसके कारण उसमें रिफ्लेक्शन होता है, और वही यहां भी हो रहा है। ऐसा संबंध होने पर भी कार्य उत्पन्न हो सकता है, जैसे जल में होता है, जल जो है अपने स्वभाव में रहता हुआ चावल आदि को पका नहीं सकता है, उसका बर्निंग पावर नहीं है, लेकिन उस जल में जब अग्नि का संबंध अथवा सूर्य का संबंध आता है तो वो जल चावल को पका सकता है, कोई भी चीज को पका सकता है। इसी प्रकार प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई सृष्टि कर्तृत्व अपने आप में नहीं है, पुरुष के अत्यंत सान्निध्य ही उसको सृष्टिकर्ता और सृष्टि के रूप में बना देती है। तो यह सान्निध्य रहने के कारण ही पुरुष कभी भी अपने स्वरूप से विच्युत नहीं होता है, पुरुष कूटस्थ नित्य ही रहता है, और प्रकृति भी अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से विच्युत नहीं होती है, किंतु उसमें परिणाम को प्राप्त करती है जैसा जल में परिणाम हो जाता है सूर्य के संपर्क से, ठीक है ना? इसमें यह देखना कि
कि जैसा स्फटिक हो, जल हो, कोई भी दृष्टांत हो, उसमें परिणाम आने पर सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये पॉइंट उसी से जान लेना चाहिए। स्फटिक में अथवा जल में सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लेकिन जिसमें वो पड़ गया उसमें कुछ परिणाम हो रहा है। परिणाम हो रहा है कैसे? अपने स्वरूप में रहते हुए, स्वरूप में प्रच्युति कभी नहीं हो रहा है, ना प्रकृति का हो रहा है ना पुरुष का हो रहा है। इसीलिए यहां चेतनावद का स्वरूप अदा हुआ चेतन है। इसी को हमारे योग सूत्र में और सांख्य सूत्र में सब जगह इसी को सूत्र से कहा, दृष्ट दृश्य यो हो संयोग हेय हेतु। एक सूत्र तो ये है, दृष्टा और दृश्य का संयोग होना दुख का कारण है, मतलब सृष्टि का कारण है समझ लो। और दृक् दर्शन शक्तियो रेगात्मता एव अस्मिता, ये यहाँ के लिए बिल्कुल यही सूत्र है। अस्मिता का यहाँ अर्थ पहले, यहाँ तो अस्मिता अर्थ अहंकार को ले रहे हैं, लेकिन अहंकार के पहले की स्थिति को यहाँ बता रहे हैं। अहंकार तो इसके बाद उत्पन्न होगी। तो दृक् और दर्शन शक्ति को दोनों को मिला दिया, एकात्मता कर दिया। एकात्मता मतलब एकात्मता जैसे कर दिया, वो भ्रम से दोनों को हमने मान लिया। ऐसे मानने की स्थिति में यहाँ अस्मिता पैदा हो जाता, कर्तृत्व पैदा होता है, उसी को ही हम कर्ता भोक्ता के रूप में जानते हैं। यही लिंगम कहा। यहाँ लिंगम का अर्थ इस, यहां से आपको लक्षण दिखाई पड़ेगा। लिंगम का कई अर्थ पहले किया था, लिंगम मन हेतु और लिय दे इति लिंगम, और यहाँ लक्षण को लेकर के भी लिंगम कहा जाता। यहां से आपको प्रकृति का कार्य का लक्षण मिलेगा। और सांख्य सूत्र में ये आया, उपरागाद कर्तृत्व चित सान्निध्या चित सान्निध्या, उपरागाद कर्तृत्व चित सान्निध्या। ये सांख्य सूत्र पहले अध्याय का 164 सूत्र है। उपराग के कारण कर्तृत्वादि भाव आ गया चित्त के सान्निध्य से, इसलिए प्रकृति का कर्तृत्व भी वास्तविक नहीं है, उपराग संबंध से आया हुआ है। मतलब दोनों में संबंध जो हुआ वो केवल अज्ञान के उपराग के कारण है, और स्वरूप अतः पुरुष कर्ता भोक्ता आदि नहीं है, बंध मुक्ति आदि उसको नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, किंतु ये सब होता हुआ भी यही पुरुष को आप जो है प्रतिसंक्रमण कर देते हैं। मतलब पुरुष को, पुरुष का जो स्वरूप है उसी के साथ प्रकृति का स्वरूप मिला करके महतत्व अहंकार इंद्रियादि के रूप में जान लेते हैं। ये जानने से ही आपका पूरा व्यवहार चल रहा है, और हमको उसको पहचानने के लिए भी ये मिला करके ही आश्रय लेना पड़ेगा। इसके लिए भी एक सूत्र है इसमें, चिदेर अप्रतिसंक्रमायास तदाकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदना। चिदेर अप्रतिसंक्रमाया, चित शक्ति प्रतिसंक्रमण करने वाली नहीं है, वो कहीं जाकर के किसी के साथ मिलती नहीं है। चित शक्ति माने चिद आत्मा, तो नहीं मिलने वाली। चिदेर अप्रतिसंक्रमाया तद आकार आपत्तौ, उसी के साथ आकार, जो वृत्ति आपके पास आ गई उस वृत्ति के साथ आकार लेने पर स्वबुद्धि संवेदनम, वो बुद्धि को ही जानना होगा। इसीलिए वृत्ति सारूप्यम इतरत्र में भी यही कहा कि जब वृत्ति के साथ पुरुष का संबंध होता है तो तदाकार आपत्ति हो जाती है। जैसे प्रतिबिंब युक्ति से लेने से जल में पड़ने वाले सूर्य जल के आकार को ले लेता है, उसी के संबंध करता है, किंतु कभी किसी का कोई संयोग नहीं है, संबंध वास्तविक है ही नहीं, इसलिए सब अविद्यात्मक संबंध से चलता है। इसलिए प्रक्रिया में माना गया है, वो वेदांत में भी है, सांख्य में भी है, और कुछ हद तक न्याय वैशेषिक में भी मानते हैं, किंतु उनका कुछ अलग प्रक्रिया है, वो पूरा और स्थूल रूप से चलता है, इसलिए उनको यहाँ ये प्रक्रिया इतने गहराई में नहीं है। और कहते हैं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवति उदासीनः। ये उदासीन स्वरूप में रहने वाले जो आत्मा है वही गुण और कर्ता का संबंध करके गुण संबंध और कर्तृत्व संबंध करता है। गुण कर्तृत्वे च,
गुणकर्तृत्व मैने गुणानाम सत्व रजसाम संबंध कर्तृत्व च, कर्तृत्व भी उसी को होता है। और पुरुष कर्ता नहीं होता हुआ कर्त्य इव भवती कहा। तो इसीलिए कहीं जो बोला जाता है पुरुष अत्यंत भोक्ता मात्र है, ये सही नहीं है। यहाँ कर्ता जैसा भी होता है, भोक्तृत्व अभी हमने कहा, भोक्तृत्व ज्ञान प्राधान्य को लेकर के भोक्ता है पुरुष ऐसा कहा जाता है, और क्रिया प्राधान्य को लेकर के कर्ता कहा जाता है। क्रिया प्राधान्य करते समय क्रिया के लिए बाह्य संबंधों की जरूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए क्रिया को कर्ता को कर्तृत्व को प्रकृति में रखा और भोक्तृत्व को पुरुष में रखा। लेकिन ये दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों आत्यंतिक नहीं है, प्रक्रिया के लिए है। क्योंकि कर्तृत्व इधर जो आया है प्रकृति में आया है वो भी चित्त सान्निध्य से आया, नहीं तो वो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं हो सकता उसमें। और पुरुष में जो भोक्तृत्व आया वो भी अभी जैसा कहा चिदेर अप्रति संक्रम आया तदागार आपत्तो सुबुद्धि संवेदनम तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा और उपरागात कर्तृत्व चित्त सान्निध्य। तो चित्त के सान्निध्य से कर्तृत्व माना गया। अब आप देखिए क्या भेद है इसमें, कोई भेद नहीं है। भेद इतना ही है कि आप ये दोनों तत्वों को अलग अलग सिद्ध करने के प्रयास लगेंगे, प्रयास करेंगे तब आप दोनों लक्षण को बनाए रखेंगे, प्रकृति का और पुरुष का। ये दोनों लक्षण बना के रख करके आत्यंतिक उसका निर्णय करेंगे। इतना ही सांख्य और वेदांत में भेद है। सांख्य इस दोनों को तत्व रूप से बनाए रखते हैं और वेदांत इस स्थिति को, तो इधर से नीचे वाला स्थिति वेदांत का इधर बराबर है, उसके बाद ऊपर जब जाते हैं तो वहां ये प्रकृति को भी पुरुष में लय कर देते हैं, पुरुष से अलग कोई उसका उसकी व्याख्या नहीं रहती है, इसलिए वो चित्त मात्र सच्चिदानंद रहता है। यहाँ ही भेद है और कहीं कोई भेद सिद्ध करने के लिए नहीं है। सांख्य कारिका ही, कारिका में आप देखें कारिका के सही व्याख्या करने पर ही हो जाएगा, लेकिन इसमें आप भाष्य देखेंगे, ये जो लिखा हुआ भाष्य है इसमें बहुत कुछ गड़बड़ी है, बहुत कुछ ये जो हिंदी अर्थ में लिखा है सब में, आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आप और कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, ये बहुत कुछ इसमें गलत लिखा है और इधर उधर से मिलाने के कारण हुआ है। तो ये कहना चाहिए क्योंकि वो आचार्य कौन लिखा है कैसे लिखा है हमको उसको मान के चलना चाहिए, ठीक है, किंतु अपने आप उसमें कई विरोध है, कई विरोध हो लिखे हुए में ही आपको मिल जाएगा, उसके साथ इसका अर्थ लगेगा नहीं। और इसका आधार जब आप सांख्य सूत्र देखते हैं, क्योंकि इसी को संवाद करने वाले सारे सांख्य सूत्र हैं, ये सूत्र को ही इन्होंने श्लोक बनाया है, इसके संवाद करने वाले सूत्र है, और सूत्र और उसके भाष्य आदि देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट होगा कि दोनों का विभाजन कहाँ किया हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए अल्टीमेटली ये सांख्य द्वैतवादी है, किंतु जो सृष्टि के प्रक्रिया दोनों के समान, क्योंकि और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि के प्रक्रिया में भगवान ने इतने हमारे सांख्य के सारे तत्व को वहाँ रख दिया, वही प्रमाण, अब उसको छोड़ करके आप व्याख्या नहीं कर सकते। और ऐसा ही पढ़ने जाएंगे तो वो प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रक्रिया वेदांत की प्रक्रिया से अलग है, वेदांत की प्रक्रिया अलग है और सांख्य की जो गीता में 14 अध्याय आदि में 13 अध्याय में है, 14 अध्याय में है, 15 अध्याय में है और 16 अध्याय में है, 17 अध्याय में है, सब जगह है। तो ये सारे प्रक्रिया जो बता रहे हैं वो वेदांत से सीधे जुड़े हुए नहीं। तब हमको क्या करना पड़ता है, माया को ही त्रिगुणात्मिका मानना पड़ता है, माया को त्रिगुणात्मिका माना, बाकी सब लक्षण प्रकृति का वो रखा उसमें, अव्यक्त भी है, अव्याकृत भी है, सारे शब्द आता है, किंतु भेद इतना ही है कि माया ईश्वर आश्रित रहती है, ईश्वर आश्रित रहती है शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न करके, किंतु ये ऐसा नहीं करते, इनके पास ईश्वर आश्रित नहीं है और चिद आश्रित भी ये नहीं है। क्यों आश्रित क्यों नहीं है, चित्त का लक्षण में ये प्रकृति का लक्षण पूरा जाएगा नहीं, चित्त तो अपरिणामी नित्य है और ये परिणामी नित्य है। इसलिए आप ये दृष्टांत दिया, जब प्रकाश पानी में पड़ता है तो प्रकाश का कोई परिणाम नहीं होता है, प्रकाश ज्यों का त्यों बना रहता है, वैसा बना रहते हुए उसके सान्निध्य से काम करता है, किंतु परिणाम सारा कहाँ होता है,
पानी में ही होता है, जहां भी आप देखिए दृष्टांत में ऐसे ही है, इस तरफ होता है उस तरफ नहीं होता, इसी को उन्होंने अपनाया, इसी को लेके कहा है। बाकी वो संबंध करने पर चित्त को भी परिणामी मानना पड़ेगा, उसमें भी परिणाम होगा, ऐसा सब लोग कहते हैं, सांगे के प्रति कहते हैं, सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने माना ही नहीं है, कहीं भी उन्होंने माना नहीं है इसको इस प्रकार होता है। और संबंध करने के बाद भी अविद्यात्मक संबंध ही रखा है, अविद्यात्मक संबंध में आप कोई परिणाम विशेष नहीं मान सकते, यदि मानेंगे तो ब्रह्म में ही होगा, ब्रह्म में भी परिणाम होगा, तो यदि वो ऐसा मानेंगे तो इसलिए ऐसा नहीं मान सकते, ये श्लोक स्पष्ट है। तो यहां से लेके सृष्टि का मूल तत्व तो बताया, किस प्रकार ये सृष्टि आरंभ करते हैं, अब वो सृष्टि का प्रयोजन बता रहे अगले श्लोक। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगुन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः पंगुन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः इसका प्रयोजन क्या है, ये संयोग होने के बाद क्या प्रयोजन होता है, जो हम जानते हैं, ये बोल रहे हैं कि पुरुषस्य दर्शनार्थम तथा कैवल्यार्थम प्रधानस्य, ये प्रधानस्य यहाँ षष्ठी है, ये कर्म में इसका अर्थ करना है, अर्थ ये होगा कि ये प्रधान की जो प्रवृत्ति है वो पुरुष के दर्शन के लिए और कैवल्य के लिए है। प्रधानस्य पुरुषस्य प्रधानस्य दोनों एक ही विभक्ति में है ना, तो प्रधान की जो प्रवृत्ति है वो पुरुष के कैवल्य और दर्शनार्थ मतलब भोग के लिए, तो भोग अपवर्ग के लिए ही प्रधान की प्रवृत्ति है। ये संयोग होने के बाद जो कुछ कार्य होता है दो ही होता है, एक तो भोग होता है, सुख दुख की प्राप्ति आप मानते रहेंगे, अहंकार से आगे फिर प्रवृत्ति होती है, और बाद में जब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो यह ध्यान रखना, ज्ञान होगा तो संयोग वियोग की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब आप सोचते हैं ना, ज्ञान होने के बाद ये दोनों का वियोग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, वो अलग, बोलने के लिए अलग हो जाएगा ऐसा बोलते हैं, किंतु यहां कोई अलग कुछ होता ही नहीं है, अलग ही है, वहां अलग कर नहीं सकते। और अलग करने के लिए आपको क्या है, दो चीज को अलग करने के लिए वो दोनों चीज का अभाव वाला स्थान चाहिए, रिक्त स्थान चाहिए। अभी ये जुड़ा हुआ है, इसको अलग करना है, यहां भी जगह चाहिए, यहां भी जगह चाहिए, दोनों अलग करना पड़ेगा, या तो ये दो जगह नहीं है तो एक जगह कम से कम चाहिए, तभी दो अलग हो सकता है। यहां पुरुष और प्रकृति अभाव ऐसे कोई जगह मिलेगी नहीं, इसलिए अलग नहीं कर सकता, क्रिया के रूप में अलग नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम जब वेदांत में माया के ये लिए भी बोलते हैं, अविद्या के लिए भी बोलते हैं, ज्ञान के लिए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान हो गया तो वही वस्तु ब्रह्म बन जाता है, यद अब्रह्म इव आसीत प्राक विवेक ज्ञानात तद ब्रह्म भवति, ये भाष्यकार कहते हैं, यद अब्रह्म इव आसीत, जो अब्रह्म जैसा था पहले अब वही चीज है ब्रह्म बनता है ज्ञान से। इसीलिए अलग करने के लिए आप दिन भर बैठ करके जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये कैसे प्रकृति अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, सब अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अलग होता नहीं है क्रिया रूप से, किंतु ज्ञान हो सकता है, अब अलग करके चिंतन कर सकते हैं, चिंतन तो आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। तो क्रियात्मक रूप से अलग नहीं होगी, तो जब यह संबंध हुआ उस समय दोनों सुख दुख का भोग होना और बाद में ज्ञान होने के बाद कैवल्य प्राप्त होना, कैवल्य का मतलब क्या है, हाँ, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, योग सूत्र याद करना चाहिए, योग सूत्र का इसका याद करना चाहिए, साधन के लिए भी योग है, सिद्धांत के लिए भी चाहिए, खाली योगी योगी कहने से नहीं होता है। हाँ, ये सब देखो कितना मुख्य चीज है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, सत्व पुरुष को आपने अभी भ्रम रूप से मिला के रखा है, दोनों को अलग अलग करेंगे वही कैवल्य होता है और कुछ होता नहीं, इसलिए कोई अवस्था विशेष भी नहीं है, तो वहां कुछ विकार भी नहीं, सारे विकार तो इधर कर दिया, अब कोई निर्विकार स्थिति में रहेगा, सब कुछ ऐसा है।
और बोला कि कोई दृष्टांत कुछ ना कुछ बोलिए कि ये दोनों का जुड़ने का तात्पर्य क्या है। बोलता है ये अंग पंगु और अंधा के समान है। एक अंधा था, वो अपना घर जाना चाहता था, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कैसे जाएगा। और एक तो पंगु था, वो भी अपना घर जाना चाहता था, कहीं जंगल में पड़ गया। तो अब अंधा तो देख नहीं सकता है, पंगु देख सकता है। अंधा के पास पैर है और पंगु के पास आंख है, तो दोनों मिला दिया, दोनों मिलकर के आगे चले गए। तो पंग अंधवा तो भयो रवि, दोनों मिल गए, यहां भी प्रकृति और पुरुष को इस प्रकार मिला करके संयोग हो गया। तत्कृदस सर्ग, उसी से ही सारे सर्ग उत्पन्न हो गया। ये अंग बंधु का दृष्टांत पर भी बहुत वादियां आपत्ति देते हैं, क्योंकि ये दृष्टांत एकदम स्थूल दृष्टांत है। ये अंग बंधु पंग तो यहां बनेगा ही नहीं, और आप सांख्य शास्त्र में अन्यत्र कहीं भी हमने ये दृष्टांत नहीं देखा, न सांख्य सूत्र में, तत्व सूत्र, तत्व समास सूत्र करके सांख्य का है, उसमें भी नहीं है, और इनके अन्य ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलता है। यही दिया है, और इसके ऊपर, इस दृष्टांत के दोष के ऊपर ब्रह्म सूत्र में द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में भाष्यकार आपत्ति दिया है। ये कैसे हो सकता है, एक को आपने अंधा बना, दोनों तो चेतन है, दोनों में संबंध कैसे होगा, और संबंध के लिए उद्देश्य चाहिए, ये सारे कुछ उन्होंने बताया। इसलिए इस प्रकार के आपका सर्ग होना संभव नहीं है कहा, इस कारिका के आधार पर। इसलिए उन्होंने स्थूल रूप से समझाने के लिए दिया, अंधा का मतलब यहाँ प्रकृति है, उसको जानकारी नहीं, जानता नहीं है, और वो क्रिया कर सकती है, अंधा है चल सकता है, और पंगु आंग है देख सकता है, क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए उतने अंश में दोनों को मिलाया है, और मिलाना भी इनके पिछले श्लोक में ही बताया कैसे मिला हुआ, वास्तविक मिलाना नहीं है। तो उस दृष्टि से इसको समझ लेना है, बाकी आपको अपने आप समझ में आएगा। ये दृष्टांत जितना अंश में या विवक्षा है उतने अंश में लेने से ही उचित है, बाकी कोई काम उसका नहीं है। तो इस प्रकार पूरे सर्ग हो जाता है, और सर्ग का कार्य भी आ जाते हैं। अब बोलते हैं सर्ग का संबंध में आ गया, तो एक बार वो सृष्टि क्रम को कह देते हैं। सांगे के अपने जो सृष्टि क्रम प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं तीसरे श्लोक में, और उसके बाद भी हम विस्तार से कह रहे हैं, उसका केवल श्लोक बता रहे हैं। प्रकृतेर महांस्तदोहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः प्रकृतेर महांस्तदोहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादभिषोडशकात् पञ्चभ्य पञ्चभूतानि तस्मादभिषोडशकात् पञ्चभ्य पञ्चभूतानि सरल है, स्पष्ट है सब। प्रकृते है महान, प्रकृति से महत्तत्व, ततः अहंकार, उसके बाद अहंकार, तस्मात गणश्च षोडश कहा, उस अहंकार से षोडश 16 का गण उत्पन्न होता है। अहंकार से क्या 16 का गण है, पंच तन्मात्राएं एकादश इंद्रिय, 16 हो गया ना, एक गण बताया, ये गण से रहता है, क्योंकि पांच तन्मात्रा एक गण है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय ये गणशः, इसलिए गणश षोडशक। तस्माद अभी षोडशकात् उस षोडशक से, मतलब उस 16 से पंचभ्यः पंचभूतानि, उनमें से जो पांच तन्मात्राएं हैं षोडश गण अंतर्गत, जो पांच तन्मात्राएं हैं उनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए। ये क्रम पहले कहा हुआ वही है। इसमें देखिए, एक ये जो भाष्य लिखा है उसकी पहले पंक्ति देखिए, उन्होंने क्या लिखा उसमें, इदानीं सर्व विभाग दर्शनार्थम आहा प्रकृति ही प्रधानम ब्रह्म अव्यक्तम बहुधान
बहुधानकम माया इति पर्याय, ये यही सारे कन्फ्यूजन का कारण है। पहले से लोग नहीं जानते, अभी बाकी सबका इधर जोड़ दिया, अभी इसमें कैसे लक्षण जुड़ेगा। प्रकृति और प्रधान तो ठीक है, उसके बाद ब्रह्म को भी रखा, क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग इधर इसलिए किया हमारे परमात्मा ब्रह्म के रूप में नहीं है। आप देखेंगे गीता में 14 अध्याय में भगवान ने प्रकृति को ब्रह्म शब्द से कहा, ममा योनिर महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, इस प्रकार से ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया प्रकृति के लिए। वो ठीक है, उस अर्थ में लेने से कम वो बैठ जाएगा, अव्यक्त है ये भी बैठ जाएगा, किंतु माया आदि कहने पर वो माया का लक्षण और इसके लक्षण में अंतर है। ईश्वर आश्रित तत्व है माया में, यहाँ प्रकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों को जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, किंतु ऐसा करने पर ज्यादा संशय उत्पन्न होता है। इनकी प्रक्रिया अलग है, इन प्रक्रिया को अपने शुद्ध रूप में समझ करके जिस अंश में विरोध नहीं है उसको मान लेना है, जिस अंश में विरोध है उसको अलग कर देना है, तो ऐसा जोड़ते हैं। जो भी है ये प्रक्रिया क्रम ही बताया है। अब यहां से लेकर के लक्षण कहना चाहते हैं, हाँ ये यहाँ जो महत्त्व का लक्षण है, प्रकृति का लक्षण त्रिगुणात्मिका रूप से वो सत्व रजसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये प्रकृति का लक्षण इसमें किया नहीं है, कारिका में प्रकृति का लक्षण कहीं भी नहीं किया, वो सांख्य सूत्र में है। यहाँ महत्त्व आदि से लक्षण होता है, क्यों नहीं किया होगा प्रकृति का लक्षण, क्योंकि प्रकृति का ऐसा लक्षण से युक्त आप कोई स्थिति में जान नहीं सकते, इसीलिए नहीं किया। और पुरुष से व्यतिरिक्त करके तो पहले दिखाया, पुरुष से व्यतिरिक्त कैसा है, वो अव्यक्त का लक्षण में साधर्म्य वैधर्म्य लक्षण में अव्यक्त का लक्षण से दिखाया, उतना ही कह करके छोड़ दिया, बाकी साम्य अवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा। कार्य के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि कार्य का लक्षण हमको प्राप्त हो सकता है, हम उसको बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, इसलिए यहां से लेके ये महत्त्व आदि का विचार होगा, महत्त्व अहंकार ये सब क्या है, कैसे कैसे संबंध करता है। अध्यवसायो बुद्धिर् धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् अध्यवसायो बुद्धिर् धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् सात्विकमेतद्रूपम् तामसमस्माद्विपर्यस्तम् सात्विकमेतद्रूपम् तामसमस्माद्विपर्यस्तम् तो बुद्धि का लक्षण है, बुद्धि व्यष्टि में बुद्धि कहते हैं, ज्ञान के रूप में समष्टि में इसी को महत्तत्व समझा देते हैं। तो अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ निश्चय, जो निश्चय आत्मिका बुद्धि हम जानते हैं वही है, कोई भी कार्य क्रम से निश्चय की स्थिति में जब पहुंचता है वो बुद्धि का कार्य होता है, वो वहां स्थित रहते हैं, तो निश्चय रूप से हम उसी में स्थिति रहते हैं, इसलिए अध्यवसाय निश्चय बुद्धि, उसी का नाम बुद्धि भी है, और उसमें से धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य ये सात्विक रूप उत्पन्न होता है। बुद्धि के जब सात्विक विशेष में रहेंगे, सत्वगुण प्रधान स्थिति में रहेंगे या सत्वगुण की अवस्था में रहेंगे, तब धर्म धर्म प्रकट होगा। जब जब धर्म प्रकट होता है बुद्धि, उस समय सत्वगुण स्थिति में ऐसा समझना, और ज्ञान जब प्राप्त होता है उस समय भी एकाग्रता सत्वगुण स्थिति में बुद्धि है, और विराग होता है, वैराग्य होता है, विषयों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब भी बुद्धि उस स्थिति में है। ऐश्वर्य ईश्वर भाव अणिमादि सिद्धि इत्यादि सब ऐश्वर्य है, ये भी बुद्धि के उस सूक्ष्म तल पर होता है, इसीलिए बुद्धि को उस सूक्ष्म सात्विक स्थिति में हमारे ज्ञान को ले जाने के लिए हम पूरे साधन करते हैं, सारे साधन इधर पहुंचने के लिए होता है, क्योंकि धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य यही तो हमको चाहिए, तो ये वहां सात्विक रूप में प्रकट होता है। और इसका विपरीत होता है जब ये तामसिक रूप में रहता है, इसी बुद्धि में तीनों गुण है तामसिक रूप में, सात्विकम एतद्रूपम, एतद्रूपम सात्विकम, और अस्माद् विपर्यस्तम, इसी से विपरीत जो होगा
वो तामस जाएगा, मतलब बुद्धि धर्म जो नहीं रहता है, निश्चय नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, तामस। और अधर्म होगा, अज्ञान होगा, विराग नहीं रहेगा, अवैराग्य रहेगा, और ऐश्वर्य नहीं रहेगा, अनैश्वर्य रहेगा। ये दो ही धर्म बताया, सात्विक और तामस। तो राजस क्यों नहीं बताया? क्योंकि राजस अलग से नहीं होता है, ये तामस धर्म सात्विक धर्म दोनों को प्रवृत्त करने वाला ही राजस तत्व है, ये मध्य में रहता है। हम पहले कहे थे राजस का अपना स्वरूप है, ये दोनों के बीच में है, ये ज्ञान आदि को भी प्रवृत्त करता है और अज्ञान आदि को भी प्रवृत्त करता है, दोनों राजस के क्रिया के कारण होता है, क्योंकि वो प्रवृत्तिशील है, वो दोनों को चलाता है। इसीलिए प्रवृत्ति जब आएगी तभी आप ज्ञान वैराग्य आदि से संपन्न होंगे, और प्रवृत्ति जब रहेगी तभी आप अज्ञान आदि से भी संपन्न होंगे, दोनों को वो प्रेरणा देता है, इसलिए अलग से नहीं कहा। ये बुद्धि का स्वरूप है जो हम जानते हैं, शास्त्र से कई बार इसकी व्यवस्था हो गई। अब जो है अभिमान का अर्थ है अहंकार, अहंकार का लक्षण कहते हैं अभिमानो अहंकारस्। अभिमानो अहंकारस्। तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्गः। तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्गः। अभिमानो अहंकारस्तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्गः। अभिमानो अहंकारस्तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्गः। एकादशकश्च गणस्। एकादशकश्च गणस्। तन्मात्र पञ्चकस्येव। तन्मात्र पञ्चकस्येव। एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पञ्चकस्येव। इसका अर्थ सायंकाल करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।